तो हम स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। बहुत मजेदार चैप्टर है, रिप्रोडक्शन इसलिए मजेदार नहीं है, वेटेज अच्छी खासी है नीट में, इसलिए मजेदार है, ठीक है। देखो इस चैप्टर में अपने को करना क्या है, बेसिक फंडा समझ लो ना, मजेदार तरीके से करेंगे, आसान भाषा में करेंगे। देखो हम पहले पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें जो अंत है ना, एंड में रिजल्ट चाहिए, अपने को चाहिए मेल गेमिट चाहिए, जो कि क्या होता है, स्पर्म होता है। तो यहां अपने को स्पर्म मिल गया, यहां पे हमने वो रख दिया, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो एंड रिजल्ट हमें चाहिए वो क्या चाहिए, अपने को ओवम चाहिए, है ना, एग या फिर ओवम चाहिए। तो यहां हमें क्या मिल गया, स्पर्म मिल गया, यहां हमें ओवम मिल गया, और ऐसे ऐसे दोनों में भड़ाम क्या करा देंगे, फर्टिलाइजेशन करा देंगे। अब फर्टिलाइजेशन कहां पे होगी, जाहिर सी बात है महिला के अंदर होगी, फीमेल बॉडी के अंदर होगी, है ना। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, वो महिला प्रेग्नेंट हो जाएगी, गर्भवती हो जाएगी, ठीक है। अब वो बच्चा उसके पेट में रहेगा कब तक, 9 महीने तक रहेगा ना, उसी को क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी बोलते हैं। फिर 9 महीने बाद बच्चे का जन्म हो जाएगा और वो अपनी माँ का दूध पिएगा कुछ दिन तक, कुछ महीने तक, ठीक है। तो यही सब इस पूरे चैप्टर में होता है। फिर वो बच्चा क्या है, बड़ा हो जाएगा, फिर क्या है, वो नीट की तैयारी करेगा, केवी एजुकेशन की वीडियो देखेगा और वीडियो को वो लाइक भी कर देगा, ठीक है। तो सिंपल सी बातें हैं, बिल्कुल सिंपल सा फंडा था, क्लियर हो गया। तो अब हम पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आएगा, अपना टेस्टिस प्लस एक्सेसरी डक्ट्स प्लस एक्सेसरी ग्लैंड्स प्लस एक्सटर्नल जेनिटेलिया, और मेल के केस में एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या होता है, पेनिस होती है, ठीक है। अब क्या है, इनके बारे में हम बारी बारी से करेंगे, पहले टेस्टिस के बारे में, फिर इसके बारे में, फिर इसके बारे में, फिर इसके बारे में। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं टेस्टिस देखने जा रहे हैं। देखो टेस्टिस क्या है, दो होती है, सबको पता है टेस्टिस दो है, ठीक है, तो वन पेयर है ना, सिंपल सी बात है। तो टेस्टिस क्या है, सिचुएटेड विद इन ए पाउच कॉल्ड स्क्रोटम, ठीक है। टेस्टिस कहां होती है, एक पाउच के अंदर होती है, जिसको हम स्क्रोटम बोलते हैं। अब स्क्रोटम का फंक्शन क्या है, देखो टेस्टिस के अंदर बेसिकली होना क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस होना है, मतलब स्पर्म की फॉर्मेशन होनी है। तो स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए यानी स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए क्या होता है, थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए, मतलब नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर है उससे थोड़ा सा 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए। तो वो कौन प्रोवाइड कराता है, स्क्रोटम प्रोवाइड कराता है, ठीक है। इससे ज्यादा इसमें कुछ क्वेश्चन बनता ही नहीं है, ठीक है। टेस्टिस आर कवर्ड बाय डेंस कवरिंग, एनसीईआरटी की लाइन है, इतना कुछ क्वेश्चन बनने लायक इसमें मेरे को तो कुछ नहीं दिखता। ये है लो टेम्परेचर वाला, स्क्रोटम वाला, ये बढ़िया क्वेश्चन है। टेस्टिस की मेजरमेंट एनसीईआरटी में दी हुई है कि लेंथ कितनी होती है, 4 to 5 सेंटीमीटर, विड्थ कितनी है, 2 to 3 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको याद होना चाहिए, एनसीईआरटी का डाटा है, ठीक है। अभी तक हम टेस्टिस में ही चल रहे हैं, टेस्टिस में ही चल रहे हैं, जब एक्सेसरी डक्ट्स में आएंगे मैं बता दूंगा, अभी तक हम अपने टेस्टिस वाले टॉपिक में ही चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये पूरा जो आपकी एनसीईआरटी की कंफ्यूजन है ना, ये पूरा फ्लो चार्ट है जो पूरा आपका कवर कर देगा। देखो मेरी बातों को समझना, यहां पे जो लिखा हुआ है उस पे कम ध्यान दो, मैं जो बोल रहा हूं उस पे फोकस करना कि मैं किस तरीके से फ्लो आपको पकड़ा रहा हूं, ठीक है। देखो टेस्टिस के अंदर होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है उसके अंदर की जो लाइनिंग है उसमें 2 टाइप की सेल होती है, मेल जर्म सेल्स और सर्टोली सेल, 2 टाइप की सेल। एक बार फिर से फ्लो करते हैं, देखो अपने क्या है, टेस्टिस पढ़ रहे हैं, तो टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं, लगभग 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, और हर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 1, 2, 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं उसकी जो अंदर से लाइनिंग है ना, वो 2 टाइप की सेल की बनी होती है, एक मेल जर्म सेल है ना, वहां पे 2 टाइप की सेल होती है, एक मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल क्या करेगी, स्पर्म फॉर्मेशन करेगी, और दूसरी होती है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल क्या करेगी, देखो जर्म सेल क्या करेगी, स्पर्म फॉर्मेशन करेगी, तो इसको जाहिर सी बात है न्यूट्रिशन चाहिए, तो इसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा, सर्टोली सेल इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इतना बिल्कुल क्लियर है। अब टेस्टिस में ही आगे बात करते हैं, टेस्टिस में ही आगे बात करते हैं कि रीजंस आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब इसको समझने के लिए मैंने एक रफ डायग्राम आपके सामने बनाया है, इसको समझने के लिए रफ डायग्राम बनाया है। देखो ये पूरी क्या है, ये एक टेस्टिस है, ये एक टेस्टिस है, तो हमने बात की टेस्टिस के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। तो ये जो है रेड कलर वाले, ये क्या है, अपने बहुत सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, ये बात हम कर चुके हैं,
और फिर हमने बात की टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। देखो ये एक रफ डायग्राम है चीजों को याद करने के लिए, सिंपल तरीके से समझने के लिए। लोब्यूल्स के अंदर है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, तो ये लोब्यूल है तो इसके अंदर क्या है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। ये है अपने ब्लैक ब्लैक वाले जो सर्कल है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है। इतनी बातें अपने को समझ में आ रही है। अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्या बात हो रही है कि रीजंस आउटसाइड द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल उसको क्या बोला जाता है, इंटरस्टीशियल स्पेस। देखो इंटरस्टीशियल वर्ड ही क्या होता है ना, मतलब बीच का स्पेस। तो देखो ये अपनी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं, ये अपनी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, तो इनके बाहर का जो ये वाला स्पेस है ना, ये वाइट वाला यहां पे जो दिख रहा है, ये वाला जो स्पेस है ये होगा अपना इंटरस्टीशियल स्पेस। और इंटरस्टीशियल स्पेस में क्या क्या होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। और क्या होता है इंटरस्टीशियल स्पेस में, इंटरस्टीशियल सेल्स होते हैं, और इंटरस्टीशियल सेल्स का ही दूसरा नाम है लिडिंग सेल। हमने बात की ये इंटरस्टीशियल स्पेस है, तो यहां पे इंटरस्टीशियल, देखो ये ब्लू कलर के जो डॉट दिख रहे हैं ये हैं अपनी इंटरस्टीशियल सेल्स, या फिर इन्हीं का दूसरा नाम क्या है, लिडिंग सेल। ये लिडिंग सेल, और लिडिंग सेल का फंक्शन क्या होता है, तो ये एंड्रोजन्स को बनाते हैं, उसको सीक्रेट करवाते हैं, ठीक है। और यहां पे एक सुपर हिट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, ये आपको हमेशा याद रखना है, हमेशा याद रखना है, बहुत सुपर हिट क्वेश्चन। देखो जो LH हार्मोन है वो लिडिंग सेल पे काम करता है, लिडिंग सेल पे। लिडिंग सेल समझ गए आप कहां पे है, ये है अपनी लिडिंग सेल जो इंटरस्टीशियल स्पेस में है, ठीक है। और FSH जो हार्मोन होता है वो सर्टोली सेल्स पे काम करता है। सर्टोली सेल कहां पे थी, ये अपनी यहां पे थी। देखो पूरा एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूं, फिर से कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये पूरी क्या है, टेस्टिस है। टेस्टिस के अंदर ये रेड वाले सर्कल क्या है, अपने लोब्यूल्स हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर ये क्या है, अपने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की हम बात कर चुके हैं कि दो टाइप की जो इनर लाइनिंग है, दो टाइप की सेल से सेल होती है यहां पे, एक मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल, ठीक है। सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो लिडिंग सेल पे कौन सा हार्मोन काम करेगा, LH काम करेगा, L4LH, L4 लिडिंग सेल, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, L4LH, L4 लिडिंग सेल। और FSH कहां पे काम करेगा, सर्टोली सेल पे। ये यहां पे सर्टोली सेल थी अपनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, ठीक है। इतनी बातें बिल्कुल ही क्लियर हो रही है। तो यहां पे अपना टेस्टिस वाला पोर्शन क्या है, खत्म हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में। तो मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट कौन सी है, रिटे टेस्टिस, वासा इफरेंसिया, एपिडिडाइमस, वासा डिफरेंस, है ना। ये एनसीईआरटी में ही, और भी डिटेल में इसको बढ़ा सकते हैं, पर एनसीईआरटी में इतना काफी है अपना, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब ये डक्ट्स के बाद ही आपको एक चीज करनी पड़ेगी, पाथवे ऑफ स्पर्म। ये आपको याद होना चाहिए हर हाल में कि स्पर्म कैसे कैसे बनता है, कैसे कैसे बाहर तक पहुंचता है। सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बनेगा, है ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बनेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है हम कर चुके हैं। देखो ये अपनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसके अंदर मेल जर्म सेल होती है, मेल जर्म सेल ही क्या करेंगी स्पर्म बनाएंगी। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बना, फिर कहां आया, रेटे टेस्टिस में, फिर आया वास डिफरेंस, फिर एपिडिडाइमस, फिर वास डिफरेंस, फिर इजेक्युलेटरी डक्ट, फिर यूरिथ्रा और बाहर, है ना, बाहर। सिंपल सी बात है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में। एक्सेसरी ग्लैंड्स कौन से हैं अपने, देखो एक पेयर है और एक है और ये फिर एक पेयर है, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, तो ये हमेशा याद रखेंगे। देखो तीन टाइप के हैं, सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरिथ्रल। देखो सेमाइनल वेसिकल्स है ना, इसमें नाम में ही आ गया, वेसिकल्स मतलब जाहिर सी बात है दो होंगे, और प्रोस्टेट नाम से ही लग रहा है, प्रोस्टेट मतलब एक है, अकेला है। बल्बो यूरिथ्रल देखो इसमें ऐसे याद रख लेना, बी है ना, जो बी फॉर बाय है ना, देखो ये वर्ड होता है जो इंग्लिश का, ये वर्ड होता है बाय, बाय मतलब क्या होता है, दो, है ना, डबल। तो बल्बो यूरिथ्रल भी कितने होते हैं अपने, दो होते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब एनसीईआरटी की लाइन आपके सामने मैं कॉपी पेस्ट करने जा रहा हूं कि इनकी सिक्रेशन की, मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स की सिक्रेशन रिच इन फ्रक्टोस, फ्रक्टोस में रिच होती है, कैल्शियम में रिच होती है, और उसमें एंजाइम्स भी कुछ पाए जाते हैं, ठीक है। अब बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स के बारे में एक बात लिखी गई है कि बल्बो यूरिथ्रल की ग्लैंड्स की जो सिक्रीशन होती है वो क्या है, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस कराती है। बहुत ही सुपर हिट क्वेश्चन है, इस पे 10 स्टार लगा लेना, 10 स्टार। लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस कौन सा कराएगा तीनों में से, बल्बो यूरिथ्रल, बहुत सुपर हिट क्वेश्चन है,
ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जो कि क्या है, मेल के केस में क्या है, पेनिस है, ठीक है। मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू, इरेक्टाइल टिश्यू होता है, इरेक्टाइल टिश्यू, ठीक है। एंड लार्ज एंड, देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इरेक्टाइल टिश्यू होता है पेनिस का, ये सब बता देंगे, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। एंड लार्ज एंड ऑफ पेनिस इज कॉल्ड ग्लैंड्स पेनिस, ग्लैंड्स पेनिस इज कवर्ड बाई लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड फोरस्किन, ठीक है। तो यहां पे ढंग के क्वेश्चन दो ही बने कि ग्लैंड्स पेनिस क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, डेफिनेशन से पहचानना आना चाहिए। फोरस्किन क्या है, क्या है, लूज फोल्ड ऑफ स्किन, है ना। ग्लैंड्स पेनिस के ऊपर जो लूज फोल्ड ऑफ स्किन है वो है फोरस्किन, और एनलार्ज एंड है ना, पेनिस का जो एंड है वो एनलार्ज होता है, तो उसको बोलते हैं ग्लैंड्स पेनिस। इसमें मेरे ख्याल से कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब देखो हमने पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो देख लिया, कैसा होता है, कहां होता है, क्या क्या होता है, ठीक है। अब हम क्या बनाना चाहते हैं, स्पर्म की फॉर्मेशन करना चाहते हैं, यानी हम क्या करना चाहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस करना चाहते हैं। देखो ये अपना स्पर्मेटोजेनेसिस है, स्पर्मेटोगोनिया में हुई माइटोसिस, फिर बना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में हुई मियोसिस वन, फिर बना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर हुई मियोसिस टू, फिर बना स्पर्मेटिड्स, फिर हुई उसमें डिफरेंशिएशन, फिर बना स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। इसमें कोई भी मेल वाले में बेसिकली कोई भी कंफ्यूजन नहीं होती, जो ओजेनेसिस होता है ना वो थोड़ा ट्रिकी है, ये तो सिंपल होता है, स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब यहां पे देखो स्पर्मेटोजेनेसिस तो क्या है, स्पर्म की फॉर्मेशन होना, स्पर्म की फॉर्मेशन होना, और यहां पे दो चीजें आएंगी जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन, स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। देखो यहां पे जो ये स्पर्मेटिड है ना, यहां पे जो ये स्पर्मेटिड डिफरेंशिएट होकर स्पर्मेटोजोआ बने हैं, बेसिकली इसमें डिफरेंशिएशन क्या हुई है, स्पर्मेटोजोआ के पास क्या आ गई, टेल आ गई, पूंछ आ गई, इसके पास पूंछ नहीं थी, टेल नहीं थी, ठीक है। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं, कि स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफर्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ, इसी को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और स्पर्मिएशन क्या होता है, रिलीज ऑफ द स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। याद करो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या होती थी, ये अपनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थी, यहां पे क्या होनी थी, स्पर्मेटोजेनेसिस होनी थी, जो किसने किसने कराई थी, मेल जर्म सेल ने कराई थी, और उसको न्यूट्रिशन किसने दिया था, सर्टोली सेल ने दिया था। तो यहां पे अपनी स्पर्मेटोजेनेसिस हुई थी, यहां पे स्पर्म बना था, तो यहां सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो स्पर्म का रिलीज होना है उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन, ठीक है। और स्पर्म का बिल्कुल ही बॉडी से बाहर निकलना है ना, मेल है कोई, उसकी बॉडी से स्पर्म का बाहर निकलना, उसको बोलते हैं इजैक्युलेशन, ठीक है। सारी बातें समझो, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म की फॉर्मेशन हुई, कहां पे हुई, यहां पे हुई, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, ठीक है। और स्पर्मियोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में डिफरेंशिएट होना, स्पर्मिएशन मतलब जो यहां पे जो स्पर्म बना था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जब रिलीज हुआ उसको बोलते हैं स्पर्मिएशन, और बिल्कुल बॉडी से बाहर है ना, यूरिथ्रा से बिल्कुल बॉडी से बाहर रिलीज होगा उसको बोलेंगे इजैकुलेशन। इजैकुलेशन वर्ड तो मेरे ख्याल से आपको पता ही होगा, ठीक है। अब यहां पे बात करेंगे कि इजैकुलेशन में जो एनसीईआरटी में फैक्ट्स दिए हुए हैं कि ह्यूमन मेल इजैकुलेट्स 200 टू 300 मिलियन स्पर्म पर कोइटस, मतलब एक बार जो इजैकुलेशन होगी उसमें 200 से 300 मिलियन स्पर्म उसमें होते हैं, ठीक है। अब नॉर्मल फर्टिलिटी की बात करें कि मान लो कोई इंसान जाता है चेक करवाने, है ना, किसी लैब में, हॉस्पिटल में, कि बताओ कि मैं फर्टाइल हूं या मैं इनफर्टाइल हूं, तो क्या चेक करेंगे उसके स्पर्म में, क्या चेक करेंगे, एटलीस्ट 60% है ना, जो स्पर्म है टोटल उनमें से 60% की नॉर्मल शेप एंड साइज होनी चाहिए। देखो ये जो है ना, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आपको याद होना ही चाहिए ये, ठीक है। एटलीस्ट 60% की नॉर्मल शेप एंड साइज होनी चाहिए, और विगरस मोर्टिलिटी की बात करें तो मोर्टिलिटी क्या है, 40% की अच्छी होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है। नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए नॉर्मल शेप एंड साइज कितने परसेंट स्पर्म की, एटलीस्ट होनी चाहिए 60% की, और मोर्टिलिटी की बात करें तो कितने की होनी चाहिए, 40% की होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल बातें क्लियर हो रही है, ठीक है। अब क्या है, स्पर्म की स्ट्रक्चर देख लेते हैं, पूरा एनसीईआरटी का ही अपना डायग्राम है, स्पर्म की स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये क्या है, नाम लिखा हुआ है इधर, ये लिखा हुआ है कि ये क्या है, हेड है, ये मिडल में आ गया, तो ये मिडल पीस है, और ये पूंछ दिख रही है इसकी, ये इसकी टेल है, ठीक है। और यहां पे क्या रहेगा, एक्रोसोम रहेगा। अब एक्रोसोम की खास बात क्या है कि इसमें एंजाइम होते हैं, ठीक है। एक्रोसोम क्या है वो तो आप पढ़ के ही समझ जाओगे, कि ऊपर है कैप लाइक स्ट्रक्चर विच कवर्स द एंटीरियर पोर्शन ऑफ
ओस्पम है ना, कैप लाइक मतलब देखो सबसे आगे है तो सीधी बात है टोपी के जैसा है ना, और इसने एंटीरियर पोर्शन मतलब आगे वाले पोर्शन को कवर किया हुआ है ऊपर से, ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो ये है कि फिल्ड विद एंजाइम्स विच हेल्प इन फर्टिलाइजेशन, कि एक्रोसोम में ऐसे एंजाइम होते हैं जो फर्टिलाइजेशन में काम आते हैं, इस पे 20 स्टार लगा लेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इधर मिडल पीस की बात करें तो M4 मिडल पीस, M4 माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बाद कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और जाहिर सी बात है माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब है एनर्जी का रिलेशन है, मतलब यहीं से एनर्जी प्रोड्यूस होगी, है ना। जहां से देखो बोलते हैं ना स्पर्म क्या करता है, मूवमेंट शो करता है, अब मूवमेंट करने में उसको एनर्जी चाहिए तो वो एनर्जी कौन देगा, माइटोकॉन्ड्रिया देगा, है ना। अब टेल है, टेल का है क्या, मूवमेंट के काम आती है, देखो मूवमेंट करेगा एनर्जी कहां से मिलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया से, बट कोई तो ऐसी स्ट्रक्चर उसको चाहिए जिससे वो मूवमेंट कर सके, तो वो कौन सी स्ट्रक्चर है, टेल। टेल का फंक्शन क्या है, मूवमेंट कराना, ठीक है। सारी बातें क्लियर है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपना क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ। अब हम करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आएगा, ओवरीज प्लस फैलोपियन ट्यूब्स प्लस यूट्रस प्लस सर्विक्स प्लस वजाइना प्लस एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। अब ये पूरा जो सिस्टम है ना फीमेल वाला, इसका एक फ्लो चलता है, ये वाला फ्लो है पूरा, ठीक है। और इसको समझने के लिए हम NCERT का डायग्राम भी आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी बातें, जो भी NCERT में लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे पूरा फिट कर दिया है और आगे भी उसी तरीके से बिल्कुल क्रिस्प तरीके से चीजें चलेंगी, ठीक है। अब ये देखो, ये है अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले क्या आएगी, एक तरीके से हम क्या है इसकी फ्लो में जा रहे हैं, पूरा ऐसे फ्लो में जाएंगे, ऐसे 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 और ये बाहर। तो सबसे अंदर की साइड क्या है, ओवरी है, सबसे अंदर क्या है, ओवरी अपनी आएगी और ओवरी का फंक्शन क्या है, प्रोड्यूस ओवम, ओवम की प्रोडक्शन करेगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब वो ओवम को कौन रिसीव करेगा, फिम्ब्री रिसीव करेगी। देखो ये अपनी पूरी फैलोपियन ट्यूब होती है, फैलोपियन ट्यूब में क्या क्या आएगा अपना, सबसे पहले फिम्ब्री आएगी, फिर क्या आएगी इन्फंडिबुलम, फिर एम्प्यूला और फिर इस्थमस, ये अपनी पूरी फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है। ओवरी के बाद आई फैलोपियन ट्यूब के बाद आई यूट्रस, यूट्रस के बाद सर्विक्स, सर्विक्स के बाद वजाइना, वजाइना के बाहर क्या होती है अपनी एक्सटर्नल जेनिटेलिया होती है और फिर बाहर, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो ये जो है यहां पे ओवम बना ओवरी के अंदर, अब उसको रिसीव कौन करेगा, कलेक्ट कौन करेगा, फिम्ब्रियाई उसको कलेक्ट करती है ना। देखो फिम्ब्रियाई के बाहर ये ऐसे प्रोजेक्शन भी निकली हुई है, किसको, ओवम को कलेक्ट करने के लिए, तो फिम्ब्रियाई का काम है कलेक्ट ओवम। इनफंडिबुलम के बारे में क्या लिखा हुआ है NCERT में, कि फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। एम्प्यूला के बारे में क्या लिखा हुआ, देखो एम्प्यूला जो वर्ड है ना वो बायोलॉजी में आपको कहीं भी दिख जाए, पूरी बायोलॉजी में एम्प्यूला वर्ड कहीं भी दिख जाए उसका मतलब क्या होता है, वाइडर, वाइडर मतलब खुला, मतलब चौड़ा थोड़ा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इस्थमस, इस्थमस किसको ज्वाइन करेगी, यूट्रस को ज्वाइन करेगी, ठीक है। फिर क्या है, देखो ये सर्विक्स है, फिर क्या है ये सर्वाइकल कैनाल, फिर बाहर वजाइना और फिर बाहर, समझ रहे हो, पूरा ये अपना क्या है यूट्रस का एरिया है पूरा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक बार फिर से है ओवरी, ओवरी के बाद फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब के बाद यूट्रस, फिर सर्विक्स, फिर वजाइना। फैलोपियन ट्यूब में भी क्या क्या है, फिम्ब्रियाई है, इनफंडिबुलम है, एम्प्यूला है, इस्थमस है। अब यहाँ पे एक यहाँ पे जो सुपरहिट क्वेश्चन दिख रहा है कि ओवम को कलेक्ट कौन करेगा, तो फिम्ब्रियाई उसको कलेक्ट करती है, ठीक है, बिल्कुल सारी चीजें क्लियर हो रही है। अब नेक्स्ट हम बात करना चाहते हैं ओवरी के बारे में, कि NCERT में क्या क्या लिखा हुआ है ओवरी के बारे में, क्या है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है दैट प्रोड्यूस ओवम एंड ओवेरियन हॉर्मोन। देखो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, जो गैमीट की फॉर्मेशन करता है ना, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, जो गैमीट की फॉर्मेशन करता है। जैसे मेल के अंदर गैमीट यानी स्पर्म की फॉर्मेशन किसने की थी, टेस्टिस ने की थी, तो टेस्टिस क्या हो जाएगा, मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो जाएगा। फीमेल के अंदर ओवम की प्रोडक्शन कौन करता है, ओवरी करती है, तो वो क्या हो जाएगी, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो जाएगी। और ओवरी क्या है, कुछ हॉर्मोन्स भी सिक्रीट करती है, ओवेरियन हॉर्मोन जिनको बोल दिया, ठीक है। मेजरमेंट की बात करें, लेंथ NCERT में दी है 2-4 सेंटीमीटर ओवरी की लेंथ होती है, कनेक्टेड टू पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट। इससे क्वेश्चन बनने का कुछ नहीं है वैसे, है ना, नॉर्मल सी बात है, सबको पता ही है कि बॉडी के अंदर है तो कहीं ना कहीं तो कनेक्टेड रहेगी, ऐसे हवा में थोड़ी लटक रही होगी, ठीक है, लिगामेंट से वहां पे कनेक्ट होती है, ठीक है। अब ओवरी के बारे में आगे जो बातें NCERT में लिखी गई है ना, उसको समझने के लिए मैंने एक ये रफ डायग्राम बनाया। देखो रफ डायग्राम बहुत जरूरी होती है, उससे क्या है लाइनें, जो भी NCERT में लिखा है लाइनें समझ में आ जाती है,
ठीक है, ये है अपना रफ डायग्राम। अब ये पूरी एक ओवरी है, अब इसको समझने के लिए एनसीईआरटी की लाइन क्लियर कर रहा हूं मैं आपको। देखो ओवरी के बाहर थिन एपिथीलियम की कवरिंग होती है, देखो इस रफ डायग्राम में कवर हो रहा है थिन एपिथीलियम की रेड कलर वाली कवरिंग है, ठीक है। अब जो अंदर वाली ओवरी है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। देखो ये बाहर की कवरिंग है, अंदर क्या बच गया, पूरा स्ट्रोमा बच गया। अब स्ट्रोमा जो है वो भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो पेरिफेरल जो ये अपने को ब्लू कलर का दिख रहा है पेरिफेरल, जिसको हमने बोल दिया कोर्टेक्स बोल दिया, और इनर एरिया कौन सा है, ओवरी का मेड्यूला। बिल्कुल समझ रहे हो, ये पूरी ओवरी है, ओवरी के बाहर क्या है थिन एपिथीलियम है, और कवरिंग के यानी थिन एपिथीलियम के अंदर क्या है ओवेरियन स्ट्रोमा, स्ट्रोमा, ठीक है। अब स्ट्रोमा के भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया यहां पे, कि पेरिफेरल ये जो ब्लू कलर का बाहर वाला कोर्टेक्स, और अंदर वाला ये जो ब्लैक ब्लैक डॉट है ये अपना इनर मेड्यूला, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है, ओवरी बिल्कुल ही क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यूट्रस के बारे में बात करने वाले हैं। देखो यूट्रस की शेप, ये पूरा एनसीईआरटी में चीजें लिखी गई हैं तो आपको याद होनी ही चाहिए। यूट्रस की शेप कैसी होती है, इन्वर्टेड पियर जैसी, एनसीईआरटी में लिखा हुआ याद होना चाहिए। यूट्रस का दूसरा नाम वोम्ब होता है, WOMB याद होना चाहिए, एनसीईआरटी में लिखा गया है। अटैच टू पेल्विक वॉल बाई लिगामेंट, ये भी यहां से क्वेश्चन बनने लायक कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये नॉर्मल बात है, कहीं ना कहीं तो अटैच रहेगी, है ना। ये है क्वेश्चन बनने लायक बात, इन्वर्टेड पियर शेप है और वोम्ब उसका दूसरा नाम है, ठीक है। और यूट्रस के ऊपर जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे, सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे, जो सबसे जरूरी बात है वो है यूट्रस की वॉल, ठीक है। तो यूट्रस की जो वॉल होती है, यूट्रस की जो दीवार है, उसमें तीन लेयर होती है, तीन लेयर। एक एक्सटर्नल जिसका नाम है पेरीमेट्रियम, नाम से ही पता लग रहा है पेरी मतलब एक्सटर्नल, है ना, और एंडो मतलब इनर, मतलब एंडोमेट्रियम। मिडल जो बीच में आएगी, देखो ऐसे याद रख लेना, M4 मिडल, M4 मायोमेट्रियम। वैसे मायो का मतलब यहां मसल से रिलेटेड है, बट आप याद रखना M4 मिडल, M4 मायोमेट्रियम। एंडो मतलब अंदर है, पेरी मतलब बाहर है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ये है यूट्रस की तीन वॉल, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन क्या बनेंगे, सुपर हिट। अब जो ये बातें हैं ना, यहां पे आप 5 स्टार 10 स्टार 20 स्टार लगा लो, यहां से क्वेश्चन बनेंगे। देखो आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि इन तीनों में से यूट्रस की कौन सी ऐसी लेयर है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जिसमें चेंजेस आते हैं, कौन सी, एंडोमेट्रियम। ये बात हम आगे भी बार बार करेंगे, है ना। देखो मेंस्ट्रुअल जो फ्लूड निकलता है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब होती है तो एंडोमेट्रियम टूटती है, एंडोमेट्रियम टूटती है तब वो मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड कौन सी है, एंडोमेट्रियम है, याद रखना है। मायोमेट्रियम क्या है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करेगी ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। अब इसमें याद करने जैसा कुछ नहीं है, मायो वर्ड जो, देखो एक्टिन मायोसिन, तो मायो वर्ड एक्टिन मायोसिन, मायो वर्ड कहां से आया है, ये आया है मसल से। अब मसल है तो कॉन्ट्रैक्शन होगी, है ना, तो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन वर्ड आते ही मायोमेट्रियम आंसर ऑटोमेटिकली चला जाएगा, है ना। और क्या है, साइक्लिक चेंजेस, मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन सी अपनी, एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम का कुछ भी यहां पे खास क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। याद करो हमने मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या था, पेनिस था, और फीमेल में क्या है, मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन क्लाइटोरिस। अब देखो ध्यान देना, आप एनसीईआरटी में चेक कर लो, फिर से मैं बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं कि मैं आपको क्रिस्प तरीके से चीजें निकाल के प्रोवाइड करूंगा और आपको उन पर फिर काम करना, ठीक है। इनके बारे में क्या है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, पर उसको क्या है पैराग्राफ में लिख देते हैं, पैराग्राफ में वो लाइनों में छुपा हुआ रहता है तो अपना ध्यान नहीं जाता। एनसीईआरटी में इनके बारे में, हर एक के बारे में कुछ ना कुछ लिखा है। जैसे मोन्स प्यूबिस के बारे में लिखा है, क्यूशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाई स्किन एंड प्यूबिक हेयर, ठीक है। अब यहां से हिट वर्ड पकड़ा करो कि क्वेश्चन ठीक कैसे करना है, क्वेश्चन ठीक, देखो जहां भी क्यूशन आ गया मतलब मोन्स प्यूबिस उसका आंसर है, ठीक है। लेबिया मेजोरा में फ्लैशी वर्ड को पकड़ो, फ्लैशी फोल्ड जहां पे आ गया लेबिया मेजोरा उसका आंसर है, फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू। लेबिया माइनोरो में क्या है, पेयर्ड फोल्ड, जहां पे पेयर्ड फोल्ड आ गया मतलब लेबिया माइनोरा उसका आंसर है। फिर से मैं बोल रहा हूं, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है और डायरेक्ट लाइन उठ के वहां पे आती है, इसमें कुछ नहीं घुमाएंगे, वो डायरेक्ट लाइन उठी जाएगी, ठीक है। हाइमन क्या है, पार्शियली कवर दी ओपनिंग ऑफ वजाइना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। क्लाइटोरिस क्या है, टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाइज एट अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा, टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये हिट पॉइंट है, क्लाइटोरिस में भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो कंफ्यूजन वाली तीन चीजें हैं, मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा। लेबिया मोन्स प्यूबिस में है क्वेश्चन याद रखना है, लेबिया मेजोरा में फ्लैशी फोल्ड, लेबिया माइनोरा में पेयर्ड फोल्ड,
ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं मेमोरी ग्लैंड्स की तरफ। ठीक है, तो मेमोरी ग्लैंड्स को देखो, फिर से वही बातें हैं कि एनसीईआरटी में जिस तरीके से दिया होता है ना, दिया तो सब सबकी एनसीईआरटी में वैसे ही लिखा हुआ है, पर उसको ना थोड़ा निकाल नहीं पाते ना, उसको फ्लो चार्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाते ना, वो पैराग्राफ में थोड़ा बोर हो जाते हैं ना, तो इस तरीके से चीजें निकाल के लाया हूं। ठीक है, तो मेमोरी ग्लैंड में क्या है, दो टाइप से चीजें होती हैं। एक तो रहेगा क्या होगा उसमें, ग्लैंडुलर टिश्यू रहेगा, ग्लैंडुलर टिश्यू। एक रहेगा वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। देखो मेमोरी ग्लैंड में अब ग्लैंडुलर टिश्यू जो है वो क्या करेगा, मिल्क फॉर्मेशन, नाम में ही आ रहा है ग्लैंड। ग्लैंड क्या करते हैं, सिक्रीशन करते हैं, नाम में ही आ रहा है ग्लैंड्स, तो ग्लैंड्स क्या करते हैं, सिक्रीशन करते हैं। तो मेमोरी ग्लैंड है तो क्या करेंगे, मिल्क की सिक्रीशन करेंगे, मिल्क की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, अब देखो ये ग्लैंडुलर टिश्यू जो है इसको सपोर्ट की भी तो जरूरत है ना, कि अपनी पोजीशन पे रहे वहां पे, इसको सपोर्ट की भी तो जरूरत है। तो इसको सपोर्ट कौन प्रोवाइड कराएगा, जो फैट होता है वो इसको सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो मेमोरी ग्लैंड का काम क्या है, फंक्शन क्या है, मिल्क फॉर्मेशन, और मिल्क फॉर्मेशन कौन करता है, ग्लैंडुलर टिश्यू, और ग्लैंडुलर टिश्यू को सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है, जो मेमोरी ग्लैंड के अंदर फैट होता है। ठीक है, सारी बातें समझ में आ रही हैं। अब ये आपको फ्लो चार्ट आपको याद हो गया तो अब बिल्कुल समझ लो आपकी दिक्कत ही खत्म है मेमोरी ग्लैंड में, है ना। देखो ग्लैंडुलर टिश्यू जो है, ये ग्लैंडुलर टिश्यू के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू जो है डिवाइडेड इंटू मेमोरी लोब्स, मेमोरी लोब्स के अंदर होते हैं एल्वियोलाई, एल्वियोलाई किसमें ओपन होते हैं, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, और बहुत सारे मेमोरी ट्यूब्यूल्स मिलके बनाते हैं मेमोरी डक्ट्स, मेमोरी डक्ट्स मिलके बनाती हैं एम्पुला, एम्पुला किससे कनेक्ट होते हैं, लैक्टिफेरस डक्ट। ये आपका फ्लो है जो बिल्कुल क्रिस्प निकल के आता है ये आपके सामने। ठीक है, अब देखो अभी तक हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखे, जिसमें हमने ओवरी, वजाइना, यूट्रस इस सब के बारे में बातें की, फिर हमने मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में बातें की, है ना। और एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है ना, जो कि ओवरीज, फेलोपियन ट्यूब, वजाइना, यूट्रस, वो सब क्या है, मेमोरी ग्लैंड्स के साथ क्या है, एक तरीके से कनेक्टेड होते हैं ना, ये मिलजुल के काम करते हैं, इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली, है ना। स्ट्रक्चरली भी इंटीग्रेटेड है, मतलब मिलजुल के काम करते हैं, और फंक्शनली भी, है ना। और किसको सपोर्ट करते हैं, मतलब क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो मेमोरी ग्लैंड के साथ मिलके ये चीजें करवाता है एक महिला के अंदर, एक फीमेल के अंदर, जैसे कि ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ, चाइल्ड केयर। सिंपल सी बातें हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है ना, समझ में आ रहा है कि प्रेगनेंसी होती है, चाइल्ड केयर होती है, तो मेमोरी ग्लैंड का भी उसमें है ना, बच्चे को दूध पिलाना पड़ेगा, है ना। तो खाली वो नहीं है कि ओवरीज और फेलोपियन ट्यूब का रोल नहीं है, मेमोरी ग्लैंड का भी रोल है, हॉर्मोन्स में भी उसका रोल रहता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम करने वाले हैं इस चैप्टर का सबसे कंफ्यूज करने वाला, या फिर बोल लो सबसे मुश्किल पोर्शन, जिसमें अपना फीमेल वाला सिस्टम आएगा पूरा, हॉर्मोन्स वाला, और ये अपना ऊजेनेसिस वाला। ठीक है, देखो ऊजेनेसिस में प्राइमरी ऊसाइड कब बना, वो कहाँ पे अटक गया, सेकेंडरी ऊसाइड कब बना, वो कहाँ पे अटक गया। ठीक है, और क्या है, ये फॉलिकल्स बहुत कंफ्यूज करते हैं कि कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्शरी, कौन सा ग्रेफियन, और क्या होता है कॉर्पस ल्यूटियम, ओवम कैसे बना। ठीक है, और क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत कंफ्यूज करती है, मेनली जो हार्मोन रहते हैं ना। देखो फीमेल इस चैप्टर में जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन है वो है फीमेल के हार्मोन्स को समझना, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एलएच, एफएसएच, है ना, कौन सा फॉलिकुलर फेज, कौन सा ल्यूटियल फेज, और ये सब इस चैप्टर की मेरे अकॉर्डिंग सबसे बड़ी कंफ्यूजन है। ठीक है, तो एक एक बात पे जो मैं बोलूंगा ना, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करेंगे, जो मैं बोलूंगा ना उस पे ध्यान देना है एक एक बात पे। ठीक है, सारी चीजें अपने आप आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ऊजेनेसिस के साथ। अब देखो ऊजेनेसिस को आसानी से समझते हैं, मैं ज्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज का यूज नहीं करूंगा, नहीं तो कंफ्यूजन अपनी बढ़ जाएगी, अपनी एनसीईआरटी पूरी कवर हो जाए उतनी ही नॉलेज का मैं यूज करूंगा। ठीक है, देखो ऊगोनिया है, मान लो कोई एक साल की बच्ची है या 6 महीने की बच्ची है, अगर हम उसमें चेक करें तो क्या चीजें मिलेंगी। देखो ऊगोनिया है, ऊगोनिया में माइटोसिस हो जाती है, जिससे बन जाता है प्राइमरी ऊसाइट, प्राइमरी ऊसाइट बन जाता है। अब ये प्राइमरी ऊसाइट मियोसिस में एंट्री ले जाता है, मियोसिस वन पहले होगी, मियोसिस टू बाद में होगी, ये जाहिर सी बात है। तो ये मियोसिस वन में एंट्री ले जाएगा, बट ये मियोसिस वन जो है कंप्लीट नहीं कर पाएगा, तो प्राइमरी ऊसाइट मियोसिस वन के प्रोफेस वन में अटक जाएगा, है ना। प्राइमरी ऊसाइट मियोसिस वन के प्रोफेस वन में अरेस्ट हो जाएगा। तो मान लो कोई बच्ची है, 1 साल की बच्ची है, अगर उसमें हम चेक करते हैं तो उसमें प्राइमरी ऊसाइट मिलेंगे कहां पे, प्रोफेस वन में, जो अरेस्ट है 1 साल की बच्ची।
ठीक है, अब वो बच्ची धीरे धीरे बड़ी होगी, 2 साल की, 3 साल की, 5 साल की, 7 साल की, 10 साल की, 12 साल की, 13 साल की, तो लगभग 13-14 साल के पास उसमें क्या आएगी, प्यूबर्टी आएगी, प्यूबर्टी, है ना, सिंपल सी बात है। अब प्यूबर्टी में क्या होगा, प्यूबर्टी में क्या होगा, पहली बार ओवुलेशन होगी ना, जो अपनी पहली बार है ना किसी बच्ची को जिंदगी में पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी, ठीक है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, ओवुलेशन होती है। अब ओवुलेशन से ठीक पहले, ओवुलेशन से ठीक पहले मियोसिस वन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, है ना, एनसीईआरटी में क्या लिखा है, मियोसिस वन कंप्लीट जस्ट प्रायर टू ओवुलेशन, ठीक है। अब मियोसिस वन कंप्लीट हो जाएगी तो प्राइमरी ऊसाइट से क्या बन जाएगा, सेकेंडरी ऊसाइट बन जाएगा, और एक हमें पोलर बॉडी मिलेगी, है ना, पहली मिली है तो फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है। अब अपने पास क्या है, सेकेंडरी ऊसाइट है और मियोसिस वन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब ये सेकेंडरी ऊसाइट कहां, मियोसिस टू में एंट्री लेगा ना, मियोसिस वन तो कंप्लीट हो गई, मियोसिस टू में अब एंट्री लेगा सेकेंडरी ऊसाइट, बट ये फिर से अटक जाएगा, कहां पे अटक जाएगा, मियोसिस टू के मेटाफेज टू में अटक जाएगा, अब मियोसिस टू के मेटाफेज टू में ये अटक जाएगा, ठीक है। अब मियोसिस टू है वो जब तक कंप्लीट नहीं होगी तब तक फर्टिलाइजेशन ना हो जाए, तब तक क्या है, मान लो ये सेकेंडरी ऊसाइट है जो कहां पे अटका है, मेटाफेज टू में अटका है मियोसिस टू के, जब तक इसको स्पर्म नहीं मिलेगा, है ना, मेल गेमीट स्पर्म नहीं मिलेगा तब तक मियोसिस टू कंप्लीट नहीं होगी, तब तक ओवम नहीं बनेगा, तब तक सेकेंडरी ऊसाइट ही रहेगा। इतनी कहानी समझ में बिल्कुल अपने साफ साफ आ गई, ये है अपनी ओजेनेसिस, ठीक है। अब देखो चीजों को थोड़ा अलग एंगल से देखना पड़ेगा, बेसिकली ये वही चीजें हैं कि ऊगोनिया था, देखो ऊगोनिया था, ऊगोनिया से यहां पे अपना मान लो प्राइमरी ऊसाइट बन जाएगा, जो ब्लैक कलर वाला है ना ये प्राइमरी ऊसाइट है, प्राइमरी ऊसाइट ही चल रहा है, फिर क्या होता है टर्शरी फॉलिकल में प्राइमरी ऊसाइट का सेकेंडरी ऊसाइट बन जाता है, ये जो ब्लैक कलर वाला दिख रहा है ये अपना सेकेंडरी ऊसाइट है, ये भी ब्लैक कलर वाला सेकेंडरी ऊसाइट है ना, और यहां पे क्या है ओवुलेशन हो जाएगी, ओवुलेशन में क्या है, ओवुलेशन मतलब ओवम का रिलीज होना, तो ओवम रिलीज हो जाएगा और जो बाकी का सामान बच जाएगा उसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, पूरी बात मैं बताऊंगा आपको, बस मैं अभी थोड़ा आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, ठीक है। और ये भी क्या है अपना बेसिकली सेकेंडरी ऊसाइट ही है, क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि ओवम तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे बनता है, तो ये सेकेंडरी ऊसाइट ही है, बट मोटा मोटा इसको ओवम ही बोल देते हैं, ठीक है। अब इस चीजों को समझो कि कैसे क्या हुआ है ना, इसी से अपने कहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल का भी बेस बन जाएगा, वहां की चीजें भी समझ में आएंगी, ठीक है। देखो ये अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल रहती है, इसमें ये हार्मोन अपने को समझने रहते हैं और ये फेज अपने को समझने रहते हैं, ठीक है। तो इसी से सारी चीजें इसमें भी अपने को समझ में आएंगी, इसको ध्यान से समझेंगे। देखो ऊगोनिया था अपने पास, ऊगोनिया के बाहर क्या है ग्रैनुलोसा सेल्स बनने लगती हैं, ऊगोनिया के बाहर ग्रैनुलोसा जो ये रेड कलर वाली दिखाई दे रही है ग्रैनुलोसा सेल्स बनने लगती हैं, तो ये बन गया प्राइमरी फोलिकल। अब प्राइमरी फोलिकल से बनेगा सेकेंडरी फोलिकल, है ना, अब मैच्योर हो गया मतलब ग्रैनुलोसा सेल्स का नंबर क्या है बढ़ता जाएगा और ज्यादा ग्रैनुलोसा सेल्स बनती जाएंगी, है ना, और ग्रैनुलोसा सेल्स के साथ और कौन सी बनने हैं थीका सेल्स भी बनने लगती हैं। देखो ये सेकेंडरी फोलिकल के बाहर ये दिखाई दे रही है ब्लू कलर की थीका सेल्स भी बनने लगती हैं, ठीक है। अब देखो ये ग्रैनुलोसा सेल्स जो बन रही हैं इतनी सारी, इनका काम क्या है, इनका फंक्शन क्या है, ये एस्ट्रोजन को रिलीज करती है, ठीक है। ग्रैनुलोसा सेल्स जो इतनी बन रही हैं ये एस्ट्रोजन को रिलीज करती है, एस्ट्रोजन को, ठीक है। देखो यहां पे इस डायग्राम में अब समझो जो एनसीईआरटी का है, देखो ये फॉलिकल डेवलप हो रहा है, ये ग्रैनुलोसा सेल्स बन रही हैं, ये एस्ट्रोजन को रिलीज करवा रही हैं। अब जैसे जैसे फॉलिकल बड़ा होता जाएगा मतलब ग्रैनुलोसा सेल्स का नंबर बढ़ता जाएगा, अब जितनी ज्यादा ग्रैनुलोसा सेल्स होंगी एस्ट्रोजन भी उतना ज्यादा होता जाएगा, एस्ट्रोजन भी उतना ज्यादा होता जाएगा, कुछ इसी तरीके से बातें चल रही है, ठीक है। टर्शरी फॉलिकल में और ज्यादा ग्रैनुलोसा सेल्स और ज्यादा एस्ट्रोजन हो गया, ठीक है। अब यहां पे एक बात ध्यान रखेंगे कि टर्शरी फॉलिकल के अंदर एक फ्लूइड वाली कैविटी दिखाई देगी जिसको हम एंट्रम बोलते हैं, है ना, यहां पे भी ये देखो एंट्रम है, ये ग्रेफियन फॉलिकल में भी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये टर्शरी फॉलिकल है, ये और मैच्योर हो जाएगा तो ये ग्रेफियन फॉलिकल है, ठीक है। अब यहां पे इसी से समझो अब ग्रेफियन फॉलिकल के बाद क्या होगा, यहां ओवुलेशन होगी। देखो चीजें समझो, ओवुलेशन आखिर हुई कैसे, ये भी अपने को साथ में ही समझ में आएगा, ओवुलेशन आखिर हुई कैसे। देखो
जैसे जैसे ये फॉलिकल ग्रो हो रहे थे, फॉलिकल ग्रो हो रहे थे तो एस्ट्रोजन बढ़ रहा था, एस्ट्रोजन बढ़ रहा था। तो एस्ट्रोजन क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को पॉजिटिव फीडबैक देता है। पॉजिटिव फीडबैक मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से ये हार्मोन रिलीज करवा देगा, कौन से, LH एंड FSH। FSH का तो नाम ही है फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, मतलब ये फॉलिकल्स को स्टिम्युलेट करवा रहा है। ठीक है, तो ये देखो पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है और यहां से LH FSH बढ़ते जा रहे हैं। अब देखो जैसे जैसे एस्ट्रोजन यहां पे हाई पकड़ा तो ये LH और FSH भी बिल्कुल हाई पीक पे आ जाते हैं, मैक्सिमम हो जाते हैं। देखो ये 14th डे की बात चल रही है तो LH क्या है, बहुत ही पीक पकड़ जाता है। LH की बहुत बड़ी पीक आती है जिसको हम बोलते हैं LH सर्ज बोलते हैं। बहुत सुपरहिट क्वेश्चन इस पे बनते हैं, 50 स्टार लगा लो, है ना। 14th डे पे क्या है, LH की बहुत भयंकर वाली पीक आई है जिसको LH सर्ज बोला है। और इस LH सर्ज की वजह से क्या होगा, ये जो ग्रेफियन फॉलिकल है ये रप्चर हो जाएगा। अब इसके रप्चर से क्या होगा, ये ओवम यहां रिलीज हो जाएगा। ओवम बोलो या फिर सही मायने में बोलो तो सेकेंडरी ओसाइट यहां पे रिलीज हो जाएगा, है ना। देखो ये रप्चर हो गया, ओवुलेशन, ये यहां पे ओवुलेशन हुई है तो ये अपना सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हो गया और जो ये बाकी का जो ये रेड कलर वाला पोर्शन बचा ये यहां पे आ जाएगा, जिसको बोलेंगे हम क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम जिसको हम बोलते हैं। देखो ये आ गया कॉर्पस ल्यूटियम। देखो कॉर्पस ल्यूटियम येलो कलर का होता है, सिंपल सी बात है। जहां पे ल्यूटियल वर्ड आ जाना है, ल्यूटियम ल्यूटियल, है ना, वो क्या है, ल्यूटिया, वो येलो कलर बॉडी के लिए ही यूज होता है ना। मैक्यूला ल्यूटिया आपने आई में भी देखा होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम अब बन चुका है। अब इसको समझेंगे हम, प्रोजेस्ट्रॉन पे थोड़ा फोकस करेंगे और ये एंडोमेट्रियम कैसे बन रही है। ठीक है, ये चीज अपने समझ ली। अब इसमें आ जाते हैं, अब इसमें आ जाते हैं। अब देखो मेन जो कंफ्यूजन है वो कैसे होगी। देखो यहां पे ओवुलेशन होगी मतलब सेकेंडरी ओसाइट बन गया। अब एक तो अपने पास पॉसिबिलिटी है कि उस फीमेल को प्रेग्नेंट होना है, मतलब उसको जो ये ओवम बना है इसको स्पर्म मिल जाएगा, एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि इस सेकेंडरी ओसाइट को या फिर ओवम बोल लो, ओवम को स्पर्म नहीं मिलेगा। ठीक है, या तो स्पर्म मिल जाएगा या स्पर्म नहीं मिलेगा। अगर इसको, अगर ओवम को स्पर्म मिल गया तो क्या होगी, प्रेगनेंसी होगी। प्रेगनेंसी हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं तो वो अभी नहीं पढ़ना, इसके बाद पढ़ेंगे हम कि अगर इसको स्पर्म मिल गया। अभी हम क्या बात करेंगे कि ये ओवुलेशन यहां पे हुई और ये ओवम है, है ना, और इसको स्पर्म नहीं मिला, मतलब इस ओवम को अगर स्पर्म ना मिले तो क्या होगा, वो पॉसिबिलिटी यहां पे देख रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे ओवुलेशन हुई, ये रिलीज हुआ तो इसको स्पर्म नहीं मिला ही, वो पॉसिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं। देखो यहां पे ये कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। अब कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, प्रोजेस्ट्रॉन को रिलीज करवाता है। देखो जहां पे कॉर्पस ल्यूटियम बहुत बड़ा है वहां पे प्रोजेस्ट्रॉन भी बहुत ज्यादा आ रहा है। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्ट्रॉन को रिलीज करवाता है। ठीक है, अब क्या है, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई, प्रेगनेंसी नहीं हुई, इसको स्पर्म नहीं मिला तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, डीजनरेट होता जाएगा। देखो रिग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटियम, ये डीजनरेट होता जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो, जहां पे प्रोजेस्ट्रोन मिला वहां पे एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ती जा रही है, मतलब क्या है, एंडोमेट्रियम की मेंटेनेंस के लिए, एंडोमेट्रियम को बने रहने के लिए प्रोजेस्ट्रोन चाहिए। ठीक है, तो जहां प्रोजेस्ट्रोन बढ़ा वहां पे एंडोमेट्रियम की थिकनिंग भी बढ़ गई। ठीक है, अब क्या है, ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होता जा रहा है, मतलब क्या है, प्रोजेस्ट्रोन में भारी कमी आ जाएगी। अब प्रोजेस्ट्रोन में जब कमी आएगी तो एंडोमेट्रियम भी टूट जाएगी, है ना, क्यों, क्योंकि उसको मेंटेनेंस के लिए प्रोजेस्ट्रोन चाहिए था। ठीक है, तो ये क्या है, एंडोमेट्रियम घटती जाएगी मतलब टूटती जाएगी प्रोजेस्ट्रोन की कमी में, और वही फ्लूड जो है वो बाहर आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लूड बोलते हैं, और उसी फेज को क्या बोलेंगे, मेंस्ट्रुअल फेज बोलेंगे। अब देखो फेज के नाम देख लेते हैं। देखो मेंस्ट्रुअल फेज जहां पे मेंस्ट्रुअल फ्लूड आया, ये हो गया अपना मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, नेक्स्ट है फॉलिकुलर फेज, जहां पे फॉलिकल्स है, फॉलिकल डेवलप कर रहे हैं, फॉलिकुलर फेज, है ना। फिर ये 14th डे पे ओवुलेटरी फेज, जहां पे ओवुलेशन। ठीक है, फिर है ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल मतलब जहां पे कॉर्पस ल्यूटियम है, सिक्रीटरी, है ना, जहां पे प्रोजेस्ट्रोन को वो सिक्रीट कर रहा है। फिर ये नेक्स्ट साइकिल फिर ऐसे चालू हो जाएगी। ठीक है, अब यहीं पे याद रखेंगे एक मिनार्क एंड मिनोपोज। मिनार्क किसको बोलते हैं, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को, है ना, बिगिंस एट प्यूबर्टी पे जो स्टार्ट होती है, और मिनोपोज को, पोज मतलब रुक जाना, पोज मतलब रुक जाना, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल का रुक जाना, कब, लगभग जब महिला 50 साल के आसपास हो जाती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल उसमें बंद हो जाती है, तो उसको मिनोपोज बोलते हैं।
अब देखो एक और कंफ्यूजन मैं आपकी यही दूर कर देता हूं। देखो यहां पे तो हमने किया कि प्रेगनेंसी नहीं हुई थी, है ना, उसको ओवम को स्पर्म नहीं मिला था। बट अगर अगर इस ओवम को अगर स्पर्म मिल जाए तो क्या होगा, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये मेंटेन रहता है, ये डीजनरेट नहीं होता, है ना। तो ये करता क्या है, मेंटेन रह के करेगा क्या, ये प्रोजेस्टेरोन को रिलीज कराता रहेगा। अब प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, एंडोमेट्रियम की थिकनिंग को बरकरार रखेगा, मतलब क्या है वहां पे इम्प्लांटेशन हो सकती है बच्चे की, है ना। इस तरीके से प्रेगनेंसी को वो मेंटेन करेगा। लगभग 3 महीने तक कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता रहता है, प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करता रहता है, है ना। और ये 3 महीने के अंदर क्या होता है, फिर प्लेसेंटा डेवलप हो जाती है। फिर प्लेसेंटा डेवलप हो जाएगी 3 महीने के बाद, तो फिर प्लेसेंटा कॉर्पस ल्यूटियम को बोलेगी कि अब तू जा, तेरा काम हो गया, अब हार्मोन वाला जो भी काम है, प्रोजेस्टेरोन रिलीज करवाना, एंडोमेट्रियम की मेंटेनेंस, मैं करवा लूंगी, अब तू जा, तेरा 3 महीने का काम था, तेरा हो गया। फिर प्लेसेंटा उसको संभाल लेगी हार्मोन वाले, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी में ही, है ना, प्रेगनेंसी वाला ही देखते हैं क्या क्या होता है, कैसे होता है। अब हम बात करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन की, ठीक है। देखो फर्टिलाइजेशन का सीधे शब्दों में मतलब क्या है कि हमें स्पर्म और ओवम को मिलवाना है, ठीक है। तो स्पर्म, देखो स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एंट्री लेगा, कहाँ, वजाइना में एंट्री लेगा, फिर सर्विक्स में आएगा, फिर यूट्रस में आएगा, फिर कहाँ पे आएगा, फेलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी रीजन में, एम्पुलरी रीजन में, ठीक है। अब एम्पुलरी रीजन में क्या है, स्पर्म एंड ओवम रीच्ड साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ में पहुंचने चाहिए, है ना। उधर से स्पर्म पहुंचा और उधर ओवरी से क्या आएगा, अपना ओवम आएगा। ओवम भी क्या याद रखना है, क्या था, सेकेंडरी ओसाइट था, अभी मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। तो इन दोनों में क्या हो जाएगी, मीटिंग हो जाएगी, जिसको हम सिंपली शब्दों में, सिंपल से साधारण शब्दों में क्या बोल रहे हैं, फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास कंडीशन क्या है, स्पर्म जो है वो एक तरीके से बोल सकते हैं सेकेंडरी ओसाइट के पास आ चुका है, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। अब देखो यहां पर देखो, ओवम के बाहर कौन सी लेयर थी, जोना पेलुसिडा, ठीक है। ओवम के बाहर कौन सी लेयर थी, जोना पेलुसिडा, एक तरीके से बोल सकते हैं सेकेंडरी ओसाइट के बाहर है जोना पेलुसिडा, और इधर से आया अपना स्पर्म, और इन दोनों के बीच में हुई क्या, मीटिंग हुई। तो स्पर्म जब जोना पेलुसिडा के साथ कॉन्टेक्ट में आएगा तो ये क्या होगा, एक मेंब्रेन में एक चेंज आएगा, है ना, ओवम की जो मेंब्रेन है उसमें एक चेंज आएगा, और इस चेंज की वजह से क्या है, एडिशनल स्पर्म की एंट्री जो है ब्लॉक हो जाएगी। मतलब कहने का सीधा सीधा मतलब क्या है कि एक एक ओवम को एक स्पर्म ही अटैक कर सकता है, एक स्पर्म ही फर्टिलाइज कर सकता है, हाँ, एक स्पर्म जब इसके कॉन्टैक्ट में आएगा तो फर्दर एडिशनल स्पर्म की एंट्री ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि मेम्ब्रेन में चेंजेस आ चुके हैं। क्यों आ चुके हैं, क्योंकि ये जोना पेलुसिडा की वजह से उसकी मेम्ब्रेन में चेंजेस आ चुके हैं, ठीक है। अब देखो स्पर्म के अंदर क्या है, एक्रोसोम है ना, जो एक्रोसोम की सिक्रीशन है, एक्रोसोम की सिक्रीशन है, वो क्या करेंगी, स्पर्म की हेल्प करेंगी, किस काम में, किस काम में हेल्प करेंगी, ओवम के साइटोप्लाज्म में एंट्री लेने के लिए स्पर्म को वो हेल्प करेंगी, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, अब यहां पे इस पॉइंट पे क्या हुआ, अपनी सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हुई है, मियोसिस 2 अपनी यहां पे कंप्लीट हुई है। मतलब क्या है, मियोसिस 2 के कंप्लीट होने का मतलब क्या है, जो सेकेंडरी ओसाइट, मैं बार-बार बोल रहा हूं, वो सेकेंडरी ओसाइट से अपने पास क्या बन गया, रियल जो असली ओवम यहां पे अपने पास बना है, है ना। तो सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन में सेकंड पोलर बॉडी भी बनेगी, मियोसिस 1 कंप्लीट हुई तो फर्स्ट पोलर बॉडी बनी, है ना, सेकंड होगी तो सेकंड पोलर बॉडी यहां पे अपने पास बनेगी, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। अब स्पर्म और ओवम की क्या है, एक तरीके से मिलन हो चुका है, अब क्या बनेगा हमारे पास, जाइगोट बनेगा। अब क्या बन गया हमारे पास, जाइगोट बन गया, सिंपल सी बात है। स्पर्म क्या है, अपने पास हैप्लोइड होता है, सबको पता है। ओवम क्या है, हैप्लोइड होता है, सबको पता है। तो हैप्लोइड और जाइगोट क्या बन जाएगा, डिप्लोइड बन जाएगा। अब इस जाइगोट में ही आगे क्या है, फर्दर डिवीजन होंगी, जाइगोट से अपने पास क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से अपने पास क्या बनेगा, फिर फीटस बनेगा, फिर आगे जाके बच्चा अपना पैदा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जाइगोट में कैसे कैसे डिवीजन होती है। देखो ये हमारे पास स्पर्म था हैप्लोइड, ओवम था हैप्लोइड, तो इन्होंने मिलकर क्या बना दिया, जाइगोट बना दिया, जो कि है डिप्लोइड। ये अपने पास क्या है, एक तरीके से जाइगोट है जो डिप्लोइड
हैप्लोइड है, ठीक है। अब जाइगोट के अंदर क्या है, माइटोटिक, माइटोटिक है ना, माइटोटिक याद रखना, माइटोसिस, माइटोटिक डिवीजन यहां पे स्टार्ट होंगे, जिनको हम क्लीवेज बोलते हैं ना, क्लीवेज एक तरीके से ये यहां पे डिवीजन स्टार्ट होगी, ठीक है। तो देखो यहां पे देखो, ये एक सेल थी, डिवीजन हुई, दो बन गई। अब ये जो डॉटर सेल्स बन गया, इन दो में फिर फर्दर डिवीजन होगी, और ज्यादा बन जाएंगी, उनमें फिर फर्दर डिवीजन होगी, तो इस तरीके से। तो ये डॉटर सेल जो डिवाइड होकर बन रही है, इनको हम बोल रहे हैं ब्लास्टोमर्स बोल रहे हैं, ठीक है। जाइगोट के अंदर माइटोटिक डिवीजन से जो डॉटर सेल्स बन रही हैं, उनको हम बोल रहे हैं क्या, ब्लास्टोमर्स बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये जाइगोट से क्या बनता जा रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है ना, जाइगोट में जब डिवीजन होती है एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो, अब ये देखो ये ब्लास्टोमर्स अंदर बनते जा रहे हैं, अब एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमर्स, मतलब ऐसा एम्ब्रियो जिसके अंदर 8 से लेके 16 के बीच में ब्लास्टोमर्स हो, उसको हम बोलते हैं मोरियुला बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मोरियुला बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये फर्दर क्या बनेगा, अब देखो यहाँ पे एक बाहर लेयर, इसके एक ऐसी लेयर बन जाएगी, बाहर लेयर बन जाएगी सेल्स की, जिसको हम बोल देंगे ट्रोपोब्लास्ट, और यहाँ पे एक मास, एक गुच्छा सा यहाँ पे लग जाएगा, जिसको बोल रहे हैं इनर सेल मास, ठीक है। तो ये इसको हम इस पूरी स्ट्रक्चर को क्या बोल देंगे, इनर सेल मास और ट्रोफोब्लास्ट, इनको मिला जुला के क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे ब्लास्टोसिस्ट बोल देंगे, ब्लास्टोसिस्ट बोल देंगे, बिल्कुल इतनी बातें क्लियर। तो यहां पे मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बता देता हूं, देखो इसको ऐसे याद रखना जैम, इसको ऐसे याद रखना जैम जैम, ठीक है। जैम मतलब पहले जाइगोट बना, फिर एम्ब्रियो बना, फिर उससे बना मोरियुला, फिर लास्ट में अपने को ब्लास्टोसिस्ट पे रुक जाना। अब ये ब्लास्टोसिस्ट जो है ना, ये ब्लास्टोसिस्ट जो है, ये एंडोमीट्रियम ऑफ यूट्रस, यूट्रस की एंडोमीट्रियम पे अटैच हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है ना, मदर के साथ, ये एंडोमीट्रियम ऑफ यूट्रस किसकी है, मदर की है ना, तो माँ की यूट्रस के है ना, माँ की यूट्रस की एंडोमीट्रियम में जो बच्चा है वो अपना चिपक जाएगा, अटैच हो जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट यहां पे अटैच हो रहा है, और इसी को हम बोलते हैं क्या तरीके, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। एक तरीके से बच्चा जो है वो मां के अंदर क्या हो चुका है, इम्प्लांट हो चुका है ना। अब देखो कुछ ऐसा सीन अपने को दिखेगा, ठीक है। ये कैसे बना, देखो ये अपना क्या है, मदर की एंडोमेट्रियम है, और इस पर यह पूरा अपना बच्चा अटैच हुआ है ना, ये अपना एम्ब्रियो है, ये प्लेसेंटा है, और ये है कोरियोन, और कोरियोन के ऐसे फिंगर लाइक निकली हुई है, क्या कोरियोनिक विलाई, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा समझते हैं, देखो हमने यहाँ पे किया था कि बाहरी लेयर क्या है, ये अपनी ट्रोफोब्लास्ट है, बाहरी लेयर है ट्रोफोब्लास्ट, तो ट्रोफोब्लास्ट ने यहाँ पे क्या बना दिया, ये कोरियोनिक विलाई जो ये सराउंडिंग में बन रही है, ये ट्रोफोब्लास्ट ने बनाई, और जो इनर सेल मास था, ये गुच्छा सा था, उसने क्या बना दिया, एम्ब्रियो बना दिया, ठीक है। और ये एम्ब्रियो और मदर के बीच ये कनेक्शन है प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा के थ्रू तो अपने को पता है क्या है, बच्चे को खाना पीना आएगा, ऑक्सीजन आएगी, और जो वेस्ट मटेरियल है बच्चे का वो बाहर निकलेगा, तो ये सब होता है, ठीक है। अब प्लेसेंटा के बारे में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि प्लेसेंटा हार्मोन रिलीज करती है, कौन से, एचसीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, एचपीएल ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजेंस प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। अब ये बहुत सुपर हिट क्वेश्चन है, बहुत सुपर हिट क्वेश्चन है। देखो प्रेगनेंसी के दौरान ओवरी से भी हार्मोन आएगा, रिलैक्सिन, रिलैक्सिन ओवरी से आता है, ठीक है। अब यहां पे एक सुपर हिट क्वेश्चन बोलने जा रहा हूं कि ऐसे हॉर्मोन्स का नाम बताओ जो ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिलीज होती है, मतलब फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी होगी सिर्फ और सिर्फ तभी वो रिलीज होंगे, कौन से एचसीजी, एचपीएल और रिलैक्सिन, ये तीन हॉर्मोन ऐसे जो ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिलीज होते हैं, ठीक है। अब एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कि प्रेगनेंसी के दौरान हमने बात कर ली कि ये हॉर्मोन रिलीज होते हैं, बट इनके अलावा भी बहुत सारे हॉर्मोन होते हैं जिनका लेवल क्या है, मैटरनल मतलब माँ के अंदर बढ़ जाता है, जैसे एस्ट्रोजन बढ़ जाएगा, एस्ट्रोजन की स्पेलिंग यहाँ पे ठीक कर लेना यार, ठीक है, एस्ट्रोजन बढ़ जाएगा, प्रोजेस्टेरोन बढ़ जाएगा, कोर्टिजोल बढ़ जाएगा, प्रोलैक्टिन बढ़ जाएगा, थायरोक्सिन बढ़ जाएगा, ये मदर के अंदर बढ़ जाते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। और इनका काम क्या होता है, क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि ये फीटल ग्रोथ में हेल्प करते हैं, मेटाबॉलिक चेंज मदर के अंदर मेटाबॉलिक चेंजेस लाते हैं, और क्या है प्रेगनेंसी की मेंटेनेंस में ये काम आते हैं, ठीक है। अब देखो अपना एम्ब्रियो अब बन गया था, एम्ब्रियो अपना मदर के कहां पे, यूट्रस में भी कहां पे, एंडोमीट्रियम पे चिपका हुआ था। अब जो एम्ब्रियो था उससे आगे क्या बनेगा, उससे एक्टोडर्म बनेगी, उससे एंडोडर्म बनेगी, उससे मीजोडर्म बनेगी, और यही तीनों मिलके क्या है, आगे जाके अपने जो भी बच्चा पैदा होगा उसमें टिश्यू है, ऑर्गन है, सारे यही तीनों ही इन्हीं तीनों से बनते हैं ना, जो भी हार्ट बना या किडनी बनी या लीवर बना या आंखें बनी या दिमाग बना या लंग्स बने, जो भी कुछ बनेगा इन्हीं तीनों से बनेगा है ना,
एक्टोडर्म से कुछ ऑर्गन बनते हैं, एंडोडर्म से कुछ ऑर्गन बनते हैं, मीजोडर्म से कुछ ऑर्गन बनते हैं, ठीक है। अब एक एनसीईआरटी में स्टेम सेल्स के बारे में छोटी सी बात की है कि स्टेम सेल्स की खास बात क्या है कि इनमें पोटेंशियल, इनमें पावर होती है क्या है, नए टिश्यू या ऑर्गन को रीजनरेट करने की, है ना, विच हैव द पोटेंसी टू गिव राइज टू ऑल द, है ना, बॉडी में जितने भी टिश्यू या ऑर्गन है सबको ये बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो ये छोटी छोटी कंफ्यूजन है इनको दूर कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन आ जाए कहीं भी, गेस्टेशन पीरियड कितना होता है, तो 9 महीने, है ना, आपको पता है 9 महीने में बच्चा पैदा होता है, उसी को बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। पार्चुरेशन को क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ बर्थ, ना, बच्चे की डिलीवरी जो होती है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन। और लैक्टेशन किसको बोलते हैं, नाम से ही पता लग रहा है, नाम से ही पता लग रहा है कि मदर की क्या है, मेमरी ग्लैंड जो होते हैं वो मिल्क, वो एंड ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान क्या है, मिल्क प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। मिल्क क्यों प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि बच्चे को दूध पीना है ना, तो बच्चा पैदा होगा वो दूध पिएगा, तो उसके लिए क्या है, मदर में मेमरी ग्लैंड से मिल्क बनना स्टार्ट हो जाएगा, उसी को बोलते हैं हम क्या, लैक्टेशन बोलते हैं, ठीक है। अब ये एनसीईआरटी में दिया है कि कौन से महीने में क्या बनता है, ना, ये एनसीईआरटी में दिया है, ये आपको याद करना पड़ेगा, एनसीईआरटी में दिया है। आफ्टर 1 मंथ क्या बनेगा, हार्ट इज फॉर्म्ड। आफ्टर 2 मंथ क्या बनेगा, लिम्स एंड डिजिट। एंड ऑफ 3 मंथ, या इसको ऐसे क्वेश्चन आ जाए 3 मंथ आ जाए, या 12 वीक बोल दे, या फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोल दे, है ना। देखो एक ट्राइमेस्टर कितने का होता है, 12 हफ्ते का होता है, 12 वीक। इसमें क्या, मेजर ऑर्गन सिस्टम जैसे लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है मैंने कॉपी पेस्ट किया, सिर्फ कॉपी पेस्ट किया हुआ, ठीक है। ड्यूरिंग 5th मंथ क्या है, फर्स्ट मूवमेंट एंड हेयर्स ऑन हेड, ठीक है। एंड ऑफ 6 मंथ लिखा आ जाए, या 24 वीक्स आ जाए, या फर्स्ट, या यहाँ पे सेकंड कर लेना, यहाँ पे सेकंड ट्राइमेस्टर। देखो 12 हफ्ते का पहला ट्राइमेस्टर और 24 हफ्ते का सेकंड ट्राइमेस्टर, ठीक। यहाँ पे क्या है, फाइन हेयर्स ऑन हेड, आईलिड्स क्या है सेपरेट हो जाएंगी, और आईलेशेस जो हैं वो बन जाएंगी, ठीक है। अब ये आपको एनसीईआरटी का फ्लो याद रखना पड़ेगा, ये मैंने पूरा एनसीईआरटी का कॉपी पेस्ट करके ऐसे फ्लो चार्ट बना दिया, ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखो फुल्ली डेवलप्ड फीटस, मतलब माँ के अंदर जो बच्चा है वो पूरा डेवलप हो चुका है, मतलब वो पैदा होने के लिए तैयार है, है ना, और प्लेसेंटा भी होती है माँ के अंदर, तो फुल्ली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा मिलके क्या करेंगे जो यूट्रस है उसमें माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देंगे, है ना, इंड्यूस माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन किन, यूट्रस में, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। देखो फीटल मतलब फीटस, इजेक्शन मतलब बाहर निकालना, रिफ्लेक्स मतलब फीटस को बाहर निकालने के लिए जो रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है, जो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, उसी को हम ये बोल रहे हैं, ठीक है। अब फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स की वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या रिलीज होगी, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगी। अब ऑक्सीटोसिन क्या करेगी, इन यूट्रेन कॉन्ट्रैक्शन को और ज्यादा तगड़ा कर देगी, है ना, स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन, मतलब इन्होंने माइल्ड यूट्रेन कॉन्ट्रैक्शन की थी और उसके रिजल्ट से क्या हो गया, अपना ऑक्सीटोसिन रिलीज हो गया, और ऑक्सीटोसिन ने क्या की, स्ट्रॉन्गर यूट्रेन कॉन्ट्रैक्शन। अब यूट्रस में बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगी तो क्या हो जाएगा, जो बच्चा अपना फीटस है वो बाहर आ जाएगा, है ना, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, पार्चुरेशन बोल रहे हैं, है ना। तो बच्चा बाहर आ गया, उसके थोड़ी देर बाद क्या है, प्लेसेंटा जो थी वो भी अपनी एक्सपेल हो जाएगी, बाहर आ जाएगी, ठीक है। अब यहां पे एक चीज याद रखेंगे, कोलोस्ट्रम क्या होता है। देखो कोलोस्ट्रम वैसे तो सबको पता है, फर्स्ट मिल्क लिखा जाए, पहला दूध, माँ का पहला दूध, इनिशियल मिल्क आ जाए, है ना, ये आपको याद रखना है कि पहला मिल्क, इनिशियल मिल्क क्या होता है, कोलोस्ट्रम होता है। और कोलोस्ट्रम में क्या याद रखना है, एंटीबॉडी होती है, कौन सी, IgA। देखो पहला दूध मतलब पहला, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देख लो, ABCD अल्फाबेट में कौन सा आता है, ए सबसे पहला आता है, तो ऐसे याद हो जाएगा, IgA एंटीबॉडी कोलोस्ट्रम के अंदर होती है, ठीक है। तो यहां पे अपना ये सिंपल सा चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।